वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 10:15। आज जल्दी जल्दी काम खत्म करके आपके पास हाजिर हो गई हूँ एक कलेक्शन वीडियो शूट करने के लिए। मुझे देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप, मैं कौन सा कलेक्शन लेके आप लोगों के पास आई हूँ आज? सो आप सही सोचे हैं, मैं पहनी हूँ अभी एक टॉप एंड ए लॉन्ग स्कर्ट, जिसको मैंने पूरा आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये लॉन्ग स्कर्ट है, कॉटन है। और स्कर्ट को मैंने ऑनलाइन से ख़रीदी हूँ। ये जो टॉप पहनी हूँ ये मैक्स का है। तो एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता है, मुझे हर कोई टाइप का क्लोथ्स पहनना मैं पसंद करती हूँ, जैसे वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न हो, इंडियन क्लोथ्स हो, सब कुछ अच्छा लगता है। सो मेरे पास कलेक्शन है। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाऊं, जैसे आप लोग को अंदाजा हो सकता है कि कौन सा प्राइस रेंज में कौन सा चीज़ खरीदने से और कौन सा ओकेज़न के लिए आप लोगों के लिए सही डिसीजन रहेगा। तो कुछ लॉन्ग स्कर्ट और टॉप्स का कलेक्शन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए अभी दिखाती हूँ मेरे पास जो जो कलेक्शन है। पूरा दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोगों को पता है आप लोग बोर भी हो जाते हो, इसलिए चलिए देखते हैं मेरे पास जो लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप्स का कलेक्शन है उसको मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने आप लोगों को अभी अभी बोला, आज हम लोग देखेंगे मेरा कुछ लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप्स। ये एक कलेक्शन वीडियो है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत सारे कलेक्शन वीडियो दिखा चुकी हूँ और इसको दिखाऊंगी, उसमें भी आप लोगों को प्राइस बता दूंगी सेपरेटली, स्कर्ट का प्राइस एंड टॉप्स का प्राइस, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं और उसमें से कुछ अच्छा लगा तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए फर्स्ट पेयर में आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट एक कलेक्शन में से एक है। ये है एक स्कर्ट जिसको मैं आप लोगों को पास में से दिखा रही हूँ। ये एक नेटेड स्कर्ट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं लाइनिंग भी है। ये है उसके अंदर का लाइनिंग। ये लॉन्ग है, लॉन्ग स्कर्ट है और इसके साथ मेरे पास एक ब्यूटीफुल शमरी फ्लारी कलेक्शन का टॉप है। ये बहुत सुंदर कलर है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत सुंदर एक मैंने कलर, जो पीच कलर है मेरा फेवरेट कलर है, इसको मैंने वेबसाइट से ख़रीदी थी और इसका प्राइस था 1099। सो उसके साथ जो टॉप मैं पहनती हूँ वो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये है वो ब्यूटीफुल सा टॉप जिसको मैंने ख़रीदा। देखिए ये वाला टॉप्स को मैंने सामने से आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसे लग रहा है ये वाला कलेक्शन आप लोगों को? ये पूरा समर के लिए परफेक्ट है। इसका स्लीव देखिए, ऐसा वाला इसका स्लीव है और ये है एक ब्यूटीफुल सा जूट फिनिश का। ये जो मटेरियल है ना, ये आप देख सकते हैं पास में से मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर अलग है और बहुत सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल फिटिंग्स आता है एक्चुअली ये टॉप्स को जब मैं पहनती हूँ ये टॉप को। और इसके साथ ये वाला प्रेटी सा कलेक्शन बहुत सुंदर लगता है। ये दोनों अभी आप लोगों को एक साथ ही दिखा रही हूँ, आप देखिए ये दोनों कितना अच्छा लगता है, परफेक्ट मैचिंग है, बहुत सुंदर सा एक लुक क्रिएट होता है। ये गया मेरा फर्स्ट सेट। अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा जो बहुत फेवरेट है वो वाला एक सेट, लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप्स का। ये एक सेट है एक्चुअली, बट पहले वाला जो दिखाई उसको मैंने अलग अलग खरीदी थी। ये है मेरा सेकेंड स्कर्ट टॉप्स बोला आप लोगों को। ये भी एक लॉन्ग स्कर्ट है, जैसे देख रहे हैं ब्लैक और लैवेंडर कलर का, और ये है पूरा जैसे प्योर स्ट्रेचेबल कॉटन कपड़ा है ना, वैसे वाला कपड़ा है। ये जो मटेरियल है वो एक्चुअली कलर गर्मी के लिए सही नहीं है, बट इसका जो क्लॉथ का जो टेक्सचर है वो ब्यूटीफुल है समर में पहनने के लिए। समर सीजन में आप लोग बाहर कहीं पर रात को जा रहे हैं तो इसको यूज़ करने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। बहुत सुंदर ये टॉप है, इसका गेटअप बहुत सुंदर आता है। ये एक्चुअली सेट में खरीदी थी, बैंगलोर में कमर्शियल स्ट्रीट बोल का एक जगह है, वहाँ से एक शॉप से मैंने खरीदी थी। और देखिए इसका टॉप कितना ब्यूटीफुल क्यूट सा टॉप है, ये आप लोगों को पास में से दिखा रही हूँ। ये है उसका नेक का डिज़ाइन और इसका स्लीव, बहुत सुंदर है। दोनों को जब पेयर अप करती हूँ ना सो बहुत लोगों को पसंद आती है और मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी आती हूँ थर्ड सेट के ऊपर जो बहुत एक सुंदर सा सेट है। सो आप लोगों को दिखाऊँ इसका जो टॉप है,
ये बीबा का कलेक्शन है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये संस्कृत में ऑनलाइन से ख़रीदी थी, और उसका देखिए इसका जो फ्रील, आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। इसका फ्रील देखिए, और इसके नीचे ये जो हॉट पिंक का बॉर्डर है और ये वाला प्रिंट है, और पूरा बॉडी इसका प्रॉपर येलो है। ये स्कर्ट बीबा का है, ये बीबा कलेक्शन है शायद, या बीबा का है। और इसको मैंने एक आई थिंक लगभग 2 साल पहले ख़रीदी थी, बट इसको पहनी हूँ बहुत कम पहनी हूँ, 2-3 बार शायद मैंने पहनी हूँ, 2 बार 3 बार तो नहीं होगा। इसके साथ जो ब्यूटीफुल सा फ्लोरल प्रिंट का टॉप में पहनती हूँ वो है ये, जो मैक्स से ख़रीदा हुआ है। आप देखिए ये वाला टॉप, ये एक ब्यूटीफुल सा टॉप है। स्पार्कल यहाँ पे बैठ के मुझे हरदम डिस्टर्ब करता है। ये है वो ब्यूटीफुल सा टॉप जिसका स्लीव आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है ये टॉप का स्लीव, और इसका प्रिंट देखिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टॉप का स्लीव, स्पार्कल नो सो वो है ये वाला, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, अलाउ नहीं करता है दिखाने के लिए। ये है वो टॉप के साथ ये वाला स्कर्ट के साथ ये वाला टॉप। अभी मैं 3 सेट आप लोग को दिखा चुकी हूँ, अभी प्राइस नहीं बोला शायद मैंने। वो जो ब्लैक कलर का जो स्कर्ट एंड टॉप्स, वो मिला के मैंने 2000 पे किया था, बोथ वो सेट में आया था। और इसका ये वाला जो टॉप है ये था शायद 799, और ये वाला जो स्कर्ट है, ये स्कर्ट भी कॉस्टली है, ये शायद 1699 का था, बीबा का जो स्कर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद आते हैं 4th सेट पे, जो और एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा लॉन्ग स्कर्ट एंड टॉप है। देखिए ये वाला स्कर्ट, इसको भी मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से खरीदी थी। ये है इंडिगो कलर का प्योर कॉटन का ये स्कर्ट, जिसके नीचे गोटापट्टी का काम हुआ है, और ये जो मटेरियल है ना, ये पूरा स्मूथ सा कॉटन कपड़ा है। ये इंडिगो एंड ऑफ वाइट का काम इसमें हुआ है, बहुत सुंदर है स्कर्ट। आप लोग को और एक बार इसका प्रिंट पास में से दिखा रही हूँ, इसका डिजाइन के साथ ब्यूटीफुल सा स्कर्ट। और इसके साथ में जो टॉप्स पहनती हूँ, ये मेरी को सिस्टर का गिफ्ट है। ये एक बहुत सुंदर सा टॉप है, शायद इसको वो जिया कलेक्शन का टॉप है, ऑफ वाइट का, और ये उसका स्लीव है, ब्यूटीफुल है ना। वो स्कर्ट के साथ ये ऑफ वाइट और गोल्ड कम्बिनेशन का टॉप मैं पहनती हूँ, क्योंकि इसके स्कर्ट के नीचे जो गोटापट्टी का काम है वो गोल्डन का है। ये हो गया मेरा 4th कलेक्शन। अभी आती हूँ आप लोगों के पास मेरा जो सबसे फेवरेट और चहेती स्कर्ट है उसको लेके। ये है मेरा 5th सेट, आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वाला सेट। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कपड़ा है, और इसको मैंने FBB से ख़रीदी थी। देखिए इसको पास में से दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वाला बहुत सुंदर है ना। सो थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया जाए तो टेक्सचर और ज़्यादा उभर के आएगा। देखिए ये कितना सुंदर है ये वाला टॉप, और उसका फ्लेयर तो देखिए, फ्लेयर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ब्यूटीफुल सा फ्लेयर है इसका। और इसमें ना पूरा जो डिज़ाइन है उसमें कितना डिटेलिंग है आप देख सकते हैं। ये स्कर्ट थोड़ा सा कॉस्टली था, ये शायद 2000 लिया था ये वाला स्कर्ट, और इसके ऊपर पहनने के लिए भी वही FBB से मैंने एक टॉप खरीदी थी जो मेरा बहुत फेवरेट है। वो टॉप का ये है एक्चुअली स्लीव, क्योंकि ट्रांसपेरेंट टॉप है, देख पा रहे हैं ये वाला ये इनर है वो टॉप का। वो जो टॉप है आप लोगों को दिखा रही हूँ वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। सॉरी मैंने इसको रिसेंटली पहनी थी और उसको प्रॉपरली रखी नहीं थी शायद, मैंने ऐसे करती नहीं हूँ बट पता नहीं। देखिए ये वाला टॉप वो व्हाइट स्कर्ट के ऊपर उभर के आता है, ब्यूटीफुल सा लुक देता है। और इसका स्लीव देखिए, ये है उसका स्लीव, ब्यूटीफुल है ना व्हाइट के साथ ये वाला कम्बिनेशन। ये मेरा सबसे एक जिसको मैं पसंद करती हूँ, ऑफ वाइट और रेड, ये रेड और ऑरेंज मिक्स किया हुआ कलर है, एकदम रेड नहीं है एकदम ऑरेंज नहीं है, बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट करता है ये वाला स्कर्ट के साथ। सो ये गया मेरा 6th सेट,
अभी मैं आती हूँ नेक्स्ट सेट के ऊपर, जो एक इस वक्त सेट नहीं, इसका टॉप्स मैंने कहाँ रख दिया, मुझे नहीं मिला है, बट इसको भी मैंने FBB से खरीदी थी। देखिए ये वाला स्कर्ट कितना सुंदर है, ये वाला स्कर्ट, ये पूरा कॉटन का है और इसमें गोटापट्टी का काम है, सिल्वर गोटापट्टी का काम हुआ है इसमें। और इसका प्रिंट तो देखिए, प्रिंट बहुत सुंदर है और प्योर कॉटन की है ये वाला। इसको मैंने पहनी नहीं हूँ अभी तक। इसका जो स्कर्ट मैंने इसके साथ खरीदी नहीं थी, मुझे लगा था घर में मेरा कलेक्शन है, बट घर में से ये वाला जो टॉप की ब्लू है ना, ये ब्लू वाला मेरे पास ब्यूटीफुल सा टॉप था, बट उसको मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, नहीं मिल रहा है, शायद किसी को दे दिया या कहीं पे रख दिया, मिल नहीं रहा है। बट ये स्कर्ट भी मैंने FBB से खरीदी थी और इसका जो प्राइस था वो था 1499 का है। फिर एक बार दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वाला स्कर्ट देखिए ब्यूटीफुल है ना। अभी आते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, अभी आते हैं और एक शेड के साथ जो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सूदिंग है। देखिए ये वाला स्कर्ट मेरा, ये भी पूरा समरी स्कर्ट है और ये कितना सुंदर प्रिंट है इसका, देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लोरल प्रिंट है इसका, बट इसमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, वो एक स्ट्रेट कॉट लॉन्ग स्कर्ट है एक्चुअली। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये बटन पूरा नीचे तक है, पूरा नीचे तक है। इसको पहनने से कैसे लुक आता है बताऊँ आपको, एक रैप अराउंड हम लोग पहनते हैं ना, रैप अराउंड का लुक आता है एक्चुअली इसको जब मैं पहनती हूँ। ब्यूटीफुल सा कलर कम्बिनेशन है, फ्लोरल प्रिंट है, आप लोगों को जैसे पता है मुझे फ्लोरल प्रिंट बहुत पसंद है। और इसके साथ जो टॉप है वो एक वेरी बहुत सुंदर क्यूट सा टॉप है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी मार्क्स का टॉप है, देखिए उसका डिज़ाइन और इसका स्लीव, ये स्लीवलेस टॉप है और उसका जो नेक का डिज़ाइन है वो ऐसे देख रहे हैं आप लोग, ये वो ग्रीन वाला फ्लोरल जो स्कर्ट है उसके साथ मैं पहनती हूँ। अभी आऊँगी लास्ट सेट के ऊपर, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये है मेरा नेक्स्ट स्कर्ट जो एक ब्लैक कलर का स्कर्ट है और इसके ऊपर देखिए इसका जो ये है मेरा स्कर्ट और इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है। ये ब्लैक के ऊपर गोल्ड कलर का प्रिंट है। ये स्कर्ट के साथ बहुत सारे एक्चुअली टॉप्स मैंने मैच करके पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर प्लेन ब्लैक कलर का टॉप भी बहुत अच्छा लगता है और कोई कंट्रास्ट टॉप भी इसके ऊपर अमेजिंग दिखता है। और इसके ऊपर जो ज़्यादा मैं पहनने के लिए पसंद करती हूँ ये है यही वाला टॉप, देखिए ये वाला टॉप, ये जो टॉप है ये भी मार्क से ख़रीदा हुआ है। आप इसको एक इसका स्लीव में दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप ज़्यादातर जो टॉप मैंने देखे हैं जो जिसको मैं लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर पहनना पसंद करती हूँ, मैक्सिमम मैक्स का है। ये वाला जो मैक्स से खरीदी थी ये 699 था और ये वाला स्कर्ट मैं कमर्शियल स्ट्रीट से खरीदी थी जिसका दिल्ली से खरीदी थी, दिल्ली का जो राजपथ है वहाँ से खरीदी थी बहुत सस्ते में, 350 या 400 मुझे ठीक से याद नहीं है, वही से खरीदी थी इसको। सो, ये गया मेरा पूरा जो स्कर्ट एंड टॉप्स का जो कलेक्शन। शायद मैंने आपको 8 पेयर दिखाई, मेरे पास और भी है, जब टाइम मिलेगा पार्ट 2 करके जरूर दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाऊंगी आप लोगों को। आशा करती हूँ ये वाला जो जितना चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई वो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो क्या करना है आप लोगों को, लाइक करना डेफिनेटली, शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और इसको कोई मेरे चैनल में नया है तो मेरा इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और जब मैं वीडियो शूट करूँगी उसको शेयर करूँगी मेरे चैनल में, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग देख पाएंगे। इसको दिखाने के पीछे मेरा वो मकसद है कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे स्कर्ट्स वगैरह हम लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल है, किसी किसी को किसके साथ पेयर अप करने से उसका जो लुक है वो दुगना हो जाता है। सो, मैं बहुत सारे नया चीज़ ट्राई करती हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा ये भी एक सेट मैंने आप लोगों को दिखाई, जैसे आप लोगों ने देखे ये टॉप भी मार्क्स का है और ये स्कर्ट मैंने ऑनलाइन से खरीदी थी। एक्चुअली ये स्कर्ट एक
ये कुर्ती के साथ आया था, बट मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ स्कर्ट को टॉप्स के साथ पहनने के लिए, उसमें लुक एक अलग तरीके से आती है। आप लोग मेरे साथ सहमत हैं तो ज़रूर लाइक करना। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपके साथ एक नया वीडियो लेके, और तब तक के लिए बाय बाय टाटा, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे सेफ। लव यू ऑल।